What is up, guys? It's Slugger, and welcome back to another vlog. And I hope you guys are doing absolutely fine. So, इसका जो plan है, it's very simple. That is, आज अपनी cycle लेकर आनी है, cycling पे जाने, and तुम लोगों को अपने आसपास का area दिखाना है, मस्त थोड़ा सा बातें, chill. क्योंकि अभी बहुत तेज धूप थी, but एकदम से जो है मौसम पूरा chill हो गया. मैं बस try कर रहा हूँ कि तुम लोगों को अच्छे से अच्छी quality provide कर सकूँ. तो मैंने सुबह edit करा, then render में मेरे को 1.5 घंटा लग गया. 10 मिनट की वीडियो के लिए 1 से 1.5 घंटा मुझे रुकना पड़ा था, बिकॉज हैवी फाइल्स, बहुत हैवी फाइल्स थी गाइज. तुम लोगों ने आज के ब्लॉग पे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिखाया. इट्स वर्थ इट गाइज, इट्स वर्थ इट. तो अभी बच रहे हैं 2:30, एंड सोचा है कि मैं अभी जाऊँगा साइकिल निकालने, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो साइकिल मैं अपने घर पे रख नहीं सकता था. तो मैंने दूसरे घर पे रखी है, वो साइड में ही है. बस उस घर से साइकिल निकालनी है, साइकिल को साफ़ करना है, क्योंकि 4 महीने से बस ऐसी रखी हुई है. एंड उसको थोड़ा सा चेक करना है, उसके डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी साफ़ करने हैं, उसकी जो गियर सेट है वो भी क्या बोलते हैं उसको साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो वो धूल मिट्टी में रखी हुई है, वो खाली पड़ा है घर वगैरह भी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत धूल है, तो उस धूल के चक्कर में बहुत इश्यूज आ सकते हैं मेरी साइकिल के अंदर. आई जस्ट होप कि कोई ऐसा इशू आए ना. मैं 30 किलोमीटर्स के ट्रैक पे जाता था डेली, वो भी फॉर ईयर्स. भाई मैं ऐसा करता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, सो आई लव माई साइकिल इन दैट की. अभी बाहर जाते हैं एंड अपनी साइकिल को निकाल के साफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. ज़्यादा ही बुरी हालत में है अभी ये मेरी साइकिल, तो मेरी जगह देख सकते हो, हर जगह से मिट्टी ही मिट्टी है. एंड अजीब सा हो रहा है इसको देख के, अभी कोई साफ़ करनी पड़ेगी पूरी साइकिल, इसीलिए बस मैं नहाया भी नहीं था, ताकि मेरी साइकिल जो है अभी साफ़ करूँ. एंड ऑब्वियसली साफ़ करूँ तो मैं भी गंदा हो जाऊँगा, सो अभी ये निकालता हूँ और साफ़ करता हूँ इसको पूरा. साइकिल मैंने अभी साफ़ कर दिया, ज़्यादा नहीं चमकी, बट या पहले से तो बेटर किया. तुम लोगों ने देखा ही था कि कैसी लग रही थी. एंड अभी मैंने ईयरफोन्स लगाए हैं तो डिफरेंट आवाज़ आएगी, थोड़ा सा आएगा, इस माइक में इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ये जो गियर बॉक्स था ये बहुत ही गंदे, इसमें मिट्टी जमी हुई थी, बट इट्स गुड नाउ. अभी बस एक बार इसको चला के देखता हूँ यहीं पर कैसे चलती है, क्योंकि तभी पता चलेगा इसमें क्या क्या मेरे को ठीक करवाना है. तो 2-3 लैप्स लेने के बाद मुझे इसमें पता चल चुका है कि इसमें क्या दिक्कत है. एक तो गियर बॉक्स जो है अच्छे से गियर चेंज नहीं कर पा रहा है, बट अभी देखते हैं, फिर उनके बाद ले जाता हूँ एंड देखते हैं इसमें क्या क्या होगा. ऑयलिंग होगी एक तो, एंड मे बी एक दो और चीज़ें हो, लेट्स सी क्या होता है, इसका कितना खर्चा बैठता है. तो साइकिल तो मेरी ठीक हो चुकी है, एंड मेरे को लगा था ज़्यादा बड़ा खर्चा आएगा, बट ज़्यादा बड़ा खर्चा कुछ आया है नहीं, सिर्फ 50 रुपये लगे बस ऑयलिंग एंड ब्रेक टाइट करी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. 100 बच्चों को इस समय सीन कुछ ऐसा है, साइकिलिंग करने में निकल नहीं पाया बिकॉज थोड़ा सा धूप बहुत, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी. एक्चुअली मैं, मेरे को उस समय लगा था कि दिन में भाई अब तो अच्छी हवा चल रही है, बट हवा नहीं चल रही थी, वो मतलब हवा चल रही थी बट वो गर्मी वाली हवा थी, लू थी वो. एंड अभी भी मैं स्कूटी पे बाहर आया हूँ तो स्कूटी पे भी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, एंड दैट इज हवा कुछ ज़्यादा ही गर्म है अभी भी. सो अभी बस मैं निकला था, थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए निकला था, सोचा कि लेट स्टार्ट अ व्लॉग. एंड यार मेरे व्लॉगिंग का सेकेंड डे ही है, और आज ही मेरी शूटिंग में एक छोटी सी बीटी होगी मेरे साथ. बीटी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, अब वो थोड़ा सा उसको बस एडिटिंग में ही निकाल सकता हूँ उस बीटी को, या तो उस बीटी को छोड़ो भाई कोई नहीं. बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अब सुबह सुबह निकलूँ साइकिलिंग के लिए, बिकॉज अभी तो बहुत गर्मी है, सुबह निकलूँगा 5-6 बजे आई गेस,
दिन तुम लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा नज़ारा ज़्यादा दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम होने वाली है तो देखते हैं क्या होता है। सुबह सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सुबह सुबह साइकिलिंग पे जाने का डिसाइड करा था। सुबह 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, मैं उठ भी गया था सुबह 5 बजे, बट सुबह उठते के साथ ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड इस चक्कर में मैं जा नहीं पाया, सारा प्लान बिगड़ गया। बट कोई नहीं यार, तबीयत पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया वहाँ पे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो आने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। बात यह है, और थोड़ा सा आगे निकल गया, फिर मैं निकलता ही रहा तो आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी एंड थोड़ी तबीयत भी बिगड़ सकती है उस वजह से। सो इस चक्कर में मैं आज गया नहीं, मैं कल ट्राई करता हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो कल जाऊँगा, वरना फिर आज शाम को भी जा ही सकता हूँ, क्योंकि अगर आज धूप नहीं रही, लू नहीं रही, लू नहीं चली तो मैं चला जाऊँगा, वरना फिर नहीं जाऊँगा, वरना फिर सुबह 5 बजे ही जाऊँगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड मिलते हैं तुमसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।